ये ऑटो वाले अंकल बहुत सही लग रहे थे, जैसे वो कोई कनाडा में जो फिल्म बन गया वैसे, उसमें जो ड्राइवर होते हैं ना टैक्सी वाले, वैसे वाले बहुत हैंडसम लग रहे थे वाले अंकल। तो अभी हम जा रहे हैं पालिका बाजार। कल की वीडियो देखिए आप सबने, मैंने बायोमेट्रिक करवाया अपना वीज़ा वाला, जो बायोमेट्रिक होता है आप वो वीडियो जाके जरूर देखिएगा। ये उसके बाद का पार्ट है जब मेरा आधा दिन कैसा गया। यहाँ पे हमारे सामान को हम खुफिया तरीके से छुपाते हुए, क्योंकि हमें जाना है पालिका बाज़ार। ये पालिका बाज़ार का गेट नंबर 3 है। अरे ये क्या घुसते ऐसे लग रहा है, ये हॉस्पिटल जैसा क्या रखा हुआ है। हाँ इसके अंदर वो चेक करती है, मुझे एंट्री बिल्कुल पसंद नहीं आई। घटिया से हॉस्पिटल होता है ना, वैसी वाली एंट्री दे रखी है। अंदर से तो कूल है, गर्मियों में अच्छे से शॉपिंग कर सकते हो। यहाँ पर तो यार एसी लग रहा है। मामी ने डराया था कि तू कैसे करेगी बच्चे के साथ शॉपिंग गर्मी में, पर एसी लग रहा है, कंफर्टेबल है, भीड़ भी नहीं थी बिल्कुल भी। मेरे से ना ज़्यादा डिटेल में वीडियो नहीं बनती यार, शॉपिंग करते हुए कितने का दिया ये वो। ये अंकल जी ऐसा लग रहे हैं ना जैसे इनके बच्चे घूम गए। मुँह देखो इनके कितने साड़ रखे हैं इन्होंने मुँह। मुझे ऐसी दुकानें बहुत पसंद है, ऐसी ये जो पीतल का और लकड़ी वाला सामान होता है ना, मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ लेकर जाओ आप। सरदार भाई ने मुझे जींस चिपका ही दी। अब हम खाना ठूसेंगे। हमने पालिका बाजार में जो बीच में गोला गोला से बनाया ना, ये मम्मा ये कैसी वाहियात किसी है यार, ऐसे कौन करता है। तो अभी पालिका में जॉइन करना चाहिए कर लिया। अम्मू का दोस्त है ना, उसे लगे लोग बाहर घूमने आ गए। इनका सही है यार, कहीं भी चार्जिंग कर लो, मतलब चार्जिंग देना भी एक फैसिलिटी होगी, जैसे टॉयलेट सुसू वाले बने होते हैं। अम्मू हट ना, कुछ दिखने दे। हाँ बहुत सही है, अड़ा पड़ा रहे तू कैमरे के आगे। पीटर इंग्लैंड के कपड़े तो नहीं पहन सकता, इसके रद्दे पे तो मैं लौटूंगा। मजा आता है ना ऐसे वेले घूमने में। ये लोग कहाँ चल रहे उठ के, मैं कोई पुलिस वाली हूँ। है गाइस, हम लोग पालिका से बाहर आ चुके हैं और अब हम कनॉट प्लेस आए हैं। क्या करेंगे हम लोग, आइसक्रीम खाएंगे। ऐसे किताबों का ढेर देखते हैं ना, अंदर को कीड़ा जागता है ना पढ़ने वाला। हाय सुंदर गुलाबी फूल, हाय सुंदर एक और गुलाबी फूल। टी 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 टी, ये अंडियां जरूर किटी पार्टी के लिए इकट्ठी होगी। हाँ हम शॉपिंग के लिए घूम सकते हैं। कर लो ना गणेश शॉपिंग, खाने के लिए घूम सकता है। मैं अम्मू से कह रही थी आइसक्रीम के लिए कितना चलाएगा। वाह कितना सही है, मोटे मुच्छड़ अंकल। ये गेट है बाहर का, उसके नाक फाड़ के घुसते हैं लोग। तो ये कोई पिंक बॉक्स नाम का भी आइसक्रीम पार्लर है, जिसके सामने पिंक कलर के कपड़े पहन के लड़के फोटो खिंचा रहे। फाइनली हम लोग भी हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। ये है नेचुरल्स का आइसक्रीम पार्लर, और अम्मू ने इतनी बड़ाई करी है ना, अब मैं देखती हूँ टेस्ट करके कि क्या है। कहते हैं ये लोग फ्लेवर्स के लिए जो ओरिजिनल चीज़ होती है वो ही यूज़ करते हैं, कुछ भी आर्टिफिशियल फ्लेवर ये इसमें नहीं ऐड करते। चीटा भी तो है। ये तो लोटी गया आइसक्रीम के इंतजार में। आइसक्रीम आ गई, बोलो चीयर्स। किसी ने नहीं बोला। तो ये दो स्कूप हैं, एक मलाई वाला, एक गाजर हलवा। ऐसी भी कोई आइसक्रीम होती है पहली बार खा रहे हो। और चिट्टी यहाँ मुझे खिला रहा है यार, इतने प्यार से, मुझे बहुत अच्छा लगा, इतने प्यार से खिला रहा है, पर वो खुद नहीं खाता, गंदू कहीं का। हमारे टाइम के बच्चों से चीज़ें मम्मा छुपा छुपा के रखती थी, और आजकल के बच्चे तो खाते नहीं हैं। मम्मियाँ परेशान हैं इनको खिलाने के प्रॉब्लम से। पर अभी तो इसका चेहरा देखो यार, कितने प्यार से खिला रहा है, इसलिए मैंने बहुत लंबी क्लिप डाल दी खिलाने वाली। एक चम्मच लगाई मुंह के, वो भी नहीं से खाई जा रही। सो अब रिव्यू टाइम। सो भाई साहब बहुत ही मज़ा आ गया, मतलब एकदम ओरिजिनल जैसे मलाई खा रहे हो वैसा वाला टेस्ट था। मतलब गाजर हलवे का जैसा टेस्ट था, गाजर हलवे को ठंडा करो, मतलब बहुत अच्छा था यार, क्या ही बताऊँ। सो ये वाला लोगो था इसका, और ये वाले जो अंकल हैं इनका ही कॉन्सेप्ट है ये। और ये जो इनके न्यूज़पेपर में जितने भी आर्टिकल्स छपे हैं वो यहाँ पे उन्होंने दीवार पे पूरा बना दिया है। थोड़ी देर वेट करने के बाद में हमने एक और कॉन भी लिया। फोकस क्यों नहीं हो रहा, अरे हो जा भाई, फोकस क्यों नहीं हो रहा। ये लड़की आ रही है इसलिए शायद। हाँ अब हो गया ये, अब हम लोग ठूस के जाएंगे। अब हम वापस जा रहे हैं घर की तरफ। बीच में एक मॉल है, उस पे हम विंडो शॉपिंग करेंगे। मुझे एक टाइम लैप्स वीडियो बनानी है बहुत देर तक, जो लोग आते जाते रहते हैं। पर अभी हुआ ये कि हमने लास्ट मोमेंट
तो उतर गए और मैं अगले स्टेशन पर उतर रही हूँ। मैं यहाँ से वापस नेक्स्ट पर जाऊँगी, ट्रेस हो जाती है अभी तो। फिर मैं अकेले रह गई क्योंकि पापा कहाँ गई, पापा कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई पापा। देखो तो पापा को ढूंढ के आओ, ढूंढ के वो मैं वो ले लेती। तो ये आ गए हैं हम पैसिफिक मॉल, और मुझे नहीं पता यहाँ तो मैं कुछ नहीं खरीदने वाली यार, मॉल में कौन खरीदता है। हाँ मैक्स या रिलायंस ट्रेंड्स जरूर जा सकते हैं, पर मैक्स सबसे सही है, वो गरीबों का जो मॉल में जगह होती है गरीबों के लिए वो है। मुझे मॉल मॉल खास पसंद नहीं है, पर शहरों में यही होती हैं जगह घूमने की, क्या ही कर रहे हैं। मैं ज़ारा वाली दुकान में घुस गई और अंकल ने मुझे वीडियो भी नहीं बनाने दी। एक दिन देखना ये लोग मुझे बनाएंगे शो स्टॉपर। चिट्टी इसको लाइट समझ गई। चलो गाइस घर पे आ चुके हैं, इतनी ज़्यादा थकान हो गई है, बस अब ये व्लॉग मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। जो भी शॉपिंग हमने करी है उसका हॉल आपको जब हम वहाँ से फ्री होके आ जाएंगे तब मिलेगा। अभी खाना भी बन रहा है, मामा मामी आए नहीं है, वो अपने फ्लैट के इंटीरियर के लिए जो मीटिंग थी उसके लिए अब फ्री होके आ रहे हैं रास्ते में। तो मैंने सोचा इतनी देर कुछ बना लेती हूँ, वो भी थकी हुई आएंगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय। खाना खुना सब बना हुआ था पर मामा ने कहा अपुन ने सोचा कि आज तो मैं पिज्जा खिलाएगा तो साला पिज्जा ही खिलाएगा। सो मामा ने यहाँ मंगवा लिए बहुत सारे पिज्ज़ा और बर्गर, और मेरी फेवरेट है गार्लिक ब्रेड, वो भी मंगवाई। सो अब हम ये ठूस ठास के सो जाएंगे। पास्ता पिज्जा ये कैसा है, मतलब सब कुछ मैदा का बना दो तुम लोग। ठीक है गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।